हेलो फ्रेंड्स, हम स्वीट पोटैटो से आज बनाएंगे दो स्वीट पोटैटो, एक टमाटर, चार मीडियम प्याज, एक हरी मिर्च, 3.5 कप पानी, 1 टीस्पून हल्दी और 3-4 टेबलस्पून सॉल्ट है हमारा। आज स्वीट पोटैटो को यूज़ करके हम एक नई तरह की सब्जी बनाएंगे, इसको रसम भी बोल सकते हैं। इनको मोटा मोटा चॉप करेंगे टमाटर और प्याज को, और मीडियम साइज़ में शकरकंदी को। इसके लिए हमें स्पाइस पाउडर चाहिए। मैंने 1/2 टेबल स्पून रेड चिली को मैंने चॉप कर रखा है, आप साबुत भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं, मेरी चॉप करी हुई है। 1/2 टेबल स्पून मैं साबुत धनिया डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून ज़ीरा जाएगा। 1 टीस्पून चना दाल। 1 टीस्पून वाइट तिल एंड 1 टीस्पून उड़द दाल। इसको हमें ड्राई ही ग्राइंड करना है फ्रेंड्स। और इसके लिए हम प्रेशर कुकर लेंगे, 3.5 कप पानी डाल रहे हैं हम फ्रेंड्स, हल्दी डाल रहे हैं, नमक और हल्दी, 3-4 टेबल स्पून सॉल्ट था और 1 टीस्पून हल्दी, और इसमें हमारा चॉप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और स्वीट पोटैटो जाएगा। इसको हम 1 विसल देंगे फ्रेंड्स। देखिए सब मैंने मोटा मोटा काटा है, और टमेटो को तो सिर्फ मैंने 4 ही पीसेस करे टमेटोज के। तो ये हमारा स्वीट पोटैटो है, 2 जो हमने लिए थे। अब इसको हम 1 विसल दे देंगे। देखिए 1 विसल के बाद मैं इसमें 3-4 टेबलस्पून इमली वाटर डाल रही हूँ, 1/2 टेबलस्पून ये गुड़ पाउडर है, और ये हमारा स्पाइस पाउडर जो हमने ग्राउंड किया था। इसको हम सिम पे पकने देंगे। मुझे 1/4 टीस्पून मैं सॉल्ट और डाल रही हूँ, मुझे कम लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, सिम पे पक रहा है ये, 15-20 मिनट इसको पकने दीजिए। इधर तड़का तैयार करते हैं। 1 टेबलस्पून रेगुलर रिफाइंड ऑयल, चना दाल डालिए इसमें मैंने 1/3 टीस्पून, 1/3 टीस्पून ज़ीरा, 1/3 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, मेथी दाना 2 चुटकी, हींग 2 चुटकी, ड्राइड रेड चिलीज 2 से 2.5 डाल रही हूँ, फ्यू करी लीव्स जाएगी, और इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी, और हल्का सा मैं 2 पिंच हल्दी भी डालूँगी इसी ऑयल में, तड़के ऑयल में। और ये तड़का हमारा स्वीट पोटैटो की सब्जी के ऊपर जाएगा। स्वीट पोटैटो आप साइड में पकाते रहिए। आपने अभी इमली डाली है, इमली की रॉनेस जाने के लिए हमें पकाना पड़ता है 10 से 15 मिनट, और आप गुड़ की क्वांटिटी पहले कम डालिए। ये मैंने हल्दी डाल दी 2 पिंच, ये अभी तड़का डालने के बाद भी पकता रहेगा 10 से 15 मिनट। मेरा गुड़ मीठा साइड में था फ्रेंड्स, ज़्यादा कम मीठा साइड में था, इसलिए मैंने ज़्यादा गुड़ डाला, 1/2 टेबल स्पून। तो पहले आप 1/2 टीस्पून गुड़ पाउडर डालिए, गुड़ जो भी, और इमली वाटर भी आप पहले 1/2 टेबल स्पून डालिए, मैंने 3-4 टेबल स्पून डाला है। इसको गार्निश मैंने जिंजर, चॉप जिंजर से किया है फ्रेंड्स, और ये रेडी है सर्विंग के लिए। आप इसको सादे प्लेन परांठे के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है, राइस के साथ भी खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।